आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर टू. इन क्वेश्चन नंबर टू राइट द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर. देखिए पहले वी आर टॉकिंग अबाउट कोफिशियंट. व्हाट इज द कोफिशियंट, कोफिशियंट क्या होता है उसके बारे में समझेंगे. देखिए मैं यहाँ पर एक पॉलिनोमियल ले लेता हूँ ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी. अब हम कोफिशियंट की बात करते हैं. यहाँ पर देखिए अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कोफिशियंट ऑफ एक्स, क्या है ए है, यानी कोफिशियंट इट मीन जो जिसका कोफिशियंट हम पूछ रहे हैं उसके साथ जो कांस्टेंट वैल्यू यानी नंबर पार्ट जो लगा हुआ है उस नंबर पार्ट को ही उसका हम कोफिशियंट बोलेंगे. जैसे x का कोफिशियंट a है, और एग्जांपल ले लो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो. अब मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, इस पॉलिनोमियल की बात करूं, तो इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द कोफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब इक्वल्स टू क्या होगा, वेरी गुड ए होगा. क्यों होगा ये, क्योंकि एक्स क्यूब के जो नंबर पार्ट है यानी जो एक्स क्यूब के जो साथ लगा हुआ है वो ए लगा है. अगर हम पूछने लगे कोफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब तो हमारी हो जाएगी ए, इजंट इट. अगर हम बात करने लगे कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो क्या होगा, या वेरी डबल गुड ए बी होगा. ठीक है, इसके साथ बी है लगा हुआ, कॉन्स्टेंट टर्म सी हो गई हमारी, इट इज़ ए कॉन्स्टेंट टर्म. सो नाउ मूव टू क्वेश्चन, क्वेश्चन पर चलते हैं. अब क्वेश्चन में देखते हैं किस किस का कोफिशियंट हमें बताना है. देखिए फर्स्ट पार्ट की बात करें हमने सभी पार्ट्स में एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट हमें फाइंड आउट करना है. जो जितने भी पार्ट है सभी में हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट फाइंड आउट करना. तो यहाँ पर चलते हैं पहले कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर. देखिए पहले पार्ट में एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है, ठीक है, कोई नंबर नहीं है, एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं है, तो क्या क्या कोफिशियंट लिखें, वेरी गुड क्वेश्चन. देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं है, ये बात मैं मानता हूँ. तो जब किसी वेरिएबल्स के साथ कोई नंबर ना हो उस कंडीशन में हम वन काउंट करते हैं, क्लियर. तो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट होगा क्या होगा, वन होगा, क्योंकि कोई नंबर ही नहीं है. तो वी कैन राइट हियर वन, बहुत सिंपल सी बात है. सेकंड पर आओ, सेकंड पार्ट में टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब. सो कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ पर भी वन होगा, वेरी गुड, क्योंकि इसके साथ कोई नंबर नहीं है तो वन लेंगे, ठीक है, सही बात है बिल्कुल. लेकिन एक बात हम यहाँ नोटिस करेंगे, यहाँ पर प्लस साइन था, यहाँ पर माइनस साइन है, ठीक है. तो प्लस साइन को वी कैन नॉट राइट, कोई नंबर अगर कोई नंबर हमारा मेंशन है तो उस नंबर को हम पॉजिटिव लिखते हैं, क्योंकि प्लस साइन को हम लिखते नहीं हैं. यहाँ पर माइनस साइन है तो कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन होगा. क्यों होगा, क्योंकि माइनस भी है, विद साइन लेंगे. अब तुम कहोगे कि यहाँ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव साइन था, पॉजिटिव साइन को हम डिनोट नहीं करते. कोई नंबर अगर हम राइट करते तो वो पॉजिटिव ही काउंट होता, इजंट इट. सो नेक्स्ट पर चलिए, ये क्लियर है. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में हमें किसका कोफिशियंट लिखना, सेम एक्स स्क्वायर का ही लिखना है, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, वेरी गुड पाई बाई टू है. देखिए इसके साथ जो
हमारा कांस्टेंट जुड़ा हुआ है किसके साथ, एक्स स्क्वायर के पाई बाय टू है, तो कितना आ गया, पाई बाय टू आ गया, इजंट इट। नेक्स्ट पर चलिए, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशियंट इसमें भी हमें कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर ही लेना है, बताइए क्या होगा, है ही नहीं, हाँ एक्स स्क्वायर नहीं है इसमें, तो क्या करें, एक्स स्क्वायर अगर नहीं है तो क्या करें फिर, देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं है, तो जब एक्स, जब वो टर्म है ही नहीं तो हम तो वहाँ पर ज़ीरो लिख देंगे भाई, जब टर्म ही नहीं है तो कहाँ से लाएं, तो कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर ज़ीरो हो गया, क्लियर है, या इसको ऐसे लिख दो, कैसे लिख दो, ज़ीरो एक्स स्क्वायर इसमें जोड़ दो, तो ऐसे लिखना थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है कुछ स्टूडेंट को, तो डायरेक्टली अगर वो टर्म नहीं है तो डायरेक्टली हम क्या राइट कर देंगे, ज़ीरो राइट कर देंगे। सो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर टू, नेक्स्ट वीडियो वी विल किल क्वेश्चन नंबर थ्री, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।